प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। अभी आपको पिछले वीडियो में जो पारा पढ़ाया गया, उस पैराग्राफ के माध्यम से आपको क्वेश्चन नंबर एक रिक्त स्थान, क्वेश्चन नंबर दो दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो देखते हैं, आप सब देखें और समझने का प्रयास करें। बेटा देखें, सेम कक्षा एक विषय हिंदी इकाई एक भाग टू का प्रश्न नंबर एक, रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान भरिए, देखिए क वाले में है कमला। क्या है? कमला डॉट 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 डॉट, आगे लिखा गया है जा, पूर्ण विराम। कमला जा, कमला कहाँ जा? बाजार। यहाँ डॉट 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 जहाँ है, यहाँ क्या लिखेंगे? बाजार, बाजार। यहाँ अंडरलाइन कर देंगे इसको, ताकि ये पता चले ये शब्द भरा गया है। कमला बाजार जा, आपका ये वाक्य पूरा हो गया। इस शब्द को भर करके वाक्य को पूरा कर लिया। इसी तरह से आपको देखिए, माधव डॉट 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 खा, राघव डॉट 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 बजा, मामा डॉट 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 लाया। तो बीच में जो रिक्त स्थान यानी कि खाली जगह है, उसमें शब्द को भर करके वाक्य को पूरा करना है बेटा। तो देखते हैं अगला, माधव खा। माधव क्या खा? खाना। माधव खाना खा। इसके पहले जो पैराग्राफ में आपको पढ़ाया, उसी में से सभी है वाक्य। तो देखते हैं अगला है, राघव डॉट 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 बजा। राघव बजा, राघव क्या बजा? तबला, तबला। राघव तबला बजा, हो गया ये। घ वाला देखिए, मामा लाया। मामा आया, क्या लाया? मामा आया, मामा आया आम लाया। क्या भरेंगे? मामा लाया, क्या लाया? आम। इस तरह से आपका क ख ग घ चार वाक्य में भर करके वाक्य को पूरा करना था। प्रश्न नंबर एक है, रिक्त स्थान भरिए। इस तरह से ये आपका खाली जगह भरा गया, आपका वाक्य पूरा कर दिया गया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर दो, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, पहला है बेटा, बाजार कौन जाएगी? बाजार कौन जाएगी? कमला, कमला, पूर्ण विराम। आपका आंसर है, यहाँ पूछ रहा है बाजार कौन जा रही है? कमला। यदि कहीं बिमला लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन आंसर गलत हो जाएगा। आप छोटे बच्चे हैं, ये नहीं लिखना है बाजार कमला जा रही है, इतना नहीं लिखना है। आपको सिर्फ एक शब्द में आपको आंसर देना है। देखिए, बाजार कौन जा रही है, तो आंसर में लिखा जाएगा कमला।
अगला है ख वाला पाठ। पाठशाला कौन जाएगी? पाठशाला कौन जाएगी? राधा। यहाँ आप लिखेंगे राधा, पूर्ण विराम। उत्तर में पाठशाला कौन जाएगी? राधा। ग वाले में देखें खाना कौन खाएगा? खाना कौन खाएगा? क्या लिखेंगे? माधव। माधव, पूर्ण विराम। माधव। अगला है माला कौन लाई? माला कौन लाई? लता। पूर्ण विराम। माला कौन लाई? माला कौन लाई? लता। लास्ट का अंगा वाला है आम कौन लाया? आम कौन लाया? यहाँ लिखेंगे माँ माँ, पूर्ण विराम। इस तरह से आपका इकाई एक भाग टू में जो पैराग्राफ आपको बुक के माध्यम से पढ़ाया गया है उस पैराग्राफ के हिसाब से रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए एक प्रश्न और उस पैराग्राफ के हिसाब से दिए गए प्रश्नों के उत्तर क ख ग घ ङ पांच प्रश्न पूछे गए हैं और इसका आंसर लिखाया गया है। आप इसे कॉपी पर कॉपी कर लेंगे और लिख करके पढ़ करके याद करेंगे बेटा। आगे की वीडियो में आगे से पढ़ाया जाएगा बुक के माध्यम से और आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आप सब ध्यान दें, वीडियो के माध्यम से पढ़ते लिखते रहें ताकि अच्छे नंबर पाएं। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। आज के लिए थैंक यू, बाय बेटा।